नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बने हुए विश्व वन को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। विश्व वन को देखकर पर्यटकों में खुशी का माहौल। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पर्यटकों ने की प्रशंसा। विश्व वन देखने आए पर्यटकों से इंडिया खबर लाइव संवाददाता ने की विशेष बातचीत। जी हां, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बने हुए विश्व वन को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, विश्व वन में स्थापित अलग अलग 7 खंडों के नाम पर बनाए गए विश्व वन को देखकर दूर दराज से आए पर्यटकों में खुशी का माहौल है। विश्व वन में मौजूद व्यवस्थाएं व गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए गाइडों के माध्यम से जानकारी देने की व्यवस्था से आए हुए सैलानी खुश हैं। इस अवसर पर विश्व वन देखने आए पर्यटकों से इंडिया खबर लाइव संवाददाता ने विशेष बातचीत की। विस्तृत है कैमरामैन शंकर भाई तड़वी के साथ गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। मारू नाम प्रदीप पटेल है, हूँ बोड़ेली रावपुरा थी आवेलो छू। आज विश्व वन में मुलाकात लीधी है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आगे जी आवेलू है, विश्व वन में 7 खंडों शेप में जे 7 गार्डन बनावामां आवेला है। बधा गार्डन में अलग अलग कंट्री की जो वनस्पतिओ है, जे झाड़ है, ये बधा लगावामां आवेला है। अहीं आवीने खूब सारूँ लगे कि एकदम नेचरली बधुं बनावामां आवेलू छे। ते विपल खारवा छे, हूँ स्पेशल बरोड़ा थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो आयो छू। अहीं गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जे 7 खंडों ने रिलेटेड 7 गार्डन आयोजन करवामां आव्युं छे, अने एमने साइड से जे मेंटेन करवामां आवे छे आ गार्डन, खूब ज नयन रम्य नजारो छे अहीं। अने खूब महत्वनी बात ए छे के फॉरेस्ट डिपार्टमेंटे आ जे गार्डन छे ए फक्त 6 महिनामां बनावामां आवेला छे, जे खूब सारी कारीगरी कहेवाय। नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी नजीक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जिसके पास में यहां पर विश्व वन का निर्माण किया गया है, जिसको देखने के लिए दिन प्रतिदिन यहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी आते रहते हैं। इस वक्त हम यहां पर विश्व वन में उपस्थित है। हमारे साथ यहां पर आज विश्व वन का नज़ारा देखने के लिए कुछ प्रवासी आए हुए हैं और हमारे साथ उपस्थित है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसी विश्व वन प्रोजेक्ट को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार, सबसे पहले तो ये मोदी जी का यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत ही सुंदर है और देखने लायक है। जहाँ तक के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात है तो विश्व के सबसे ऊंची अभी प्रतिमा है, तो विश्व से लोग आ रहे हैं। हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग को तो इस पर बहुत गर्व है। साथ में यहाँ पे जो बनाया गया है अपना सभी देशों का एक यूनिटी के तौर पे विश्व वन बनाया गया है, कि जैसे कि यहाँ पे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो पूरे देश को एकता बना करके एक पूरे इंडिया को एक किए। छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था इंडिया, जो उसको मिला करके एक किए। तो वही हमारे मोदी जी का एक सपना है कि पूरे विश्व को अलग अलग बटे उसको एक कर दें। तो उसके प्रतीक के तौर पर हमारे एक गार्डन है जिसको विश्व वन बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से सुसज्जित है। और यहाँ पे हरेक देशों से, हरेक महादेशों से लाए हुए प्लांट्स हैं जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सुशोभित हैं। हम लोग को देख कर बहुत मज़ा आया। हम देखते ही रह गए कि हरेक देश का, हरेक महादेश का प्लांट यहाँ पे एक जगह देखने को मिल रहा है और व्यवस्थित ढंग से है। यहाँ पे जो भी हैं फूल अच्छे खिले हुए हैं। सर, प्रशासन तंत्र द्वारा यहाँ पर प्रवासियों के मार्गदर्शन के लिए स्पेशल गाइड को रखा गया है, तो यहाँ पर गाइड की कामगिरी आपको कैसी लगी और उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, जो यहाँ पे गाइड रखे गए हैं
जो बहुत ही अच्छी तरह से आपको हर एक कंट्री के बारे में, हर एक महादेश के बारे में आपको बताते हैं, और जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैडम थी हमारे पास, मैडम आई मेरे पास, मैडम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सब बताया, यहाँ तक कि फ़ोटो वगैरह भी लेने में हेल्प किया, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और भी यहाँ पर हमारे साथ एक महिला उपस्थित है, हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे कि इसी प्रोजेक्ट को लेकर उनका क्या कहना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा घूम के यहाँ, बहुत अच्छा लगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे यहाँ पर विश्व वन का नज़ारा देखने के लिए आए हुए प्रवासी, जिन लोगों का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है हमें बहुत पसंद हुआ, और यहाँ पर प्रशासन तंत्र द्वारा जो भी सुविधाएं की गई है वो भी अच्छी की गई है, और यहाँ पर गाइड द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है वो भी अच्छी तरह से दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि जो भी प्रवासी विश्व वन देखने के लिए आते हैं वो यहाँ पर यह प्रोजेक्ट देखकर हमेशा खुश होकर ही जाते हैं। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।